जय राजपूताना संघ के तत्वाधान में आयोजित महासमर भूमि संस्कार शिविर का आयोजन राजपूत धर्मशाला रंगाराखेड़ी में किया गया। शिविर में युवाओं को तलवारबाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, दंड चलाने के साथ साथ साफा बांधने की कला भी सिखाई गई। साथ ही बौद्धिक के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र प्रेम हेतु समर्पित रहने की प्रेरणा दी गई। संस्कार शिविर के तीसरे दिन माँ भगवती की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें 751 दीपों से माँ की आरती कर राष्ट्रभक्ति गीत का गायन किया गया। तत्पश्चात माँ भगवती की जय, भारत माता की जय, पृथ्वीराज चौहान की जय, महाराणा प्रताप की, ऐसे अनोखे नारों से पांडाल गुंजायमान हो गया। भगवा ध्वज से सजे संवरे संपूर्ण क्षेत्र में मुख्य भाग में भगवान श्री राम एवं महाराणा प्रताप के विशाल चित्र के साथ माँ भगवती की स्थापना की गई थी। माँ के समीप अखंड ज्योत चल रही थी। अखंड ज्योत के पास बारी बारी से एक एक रक्षक तैनात किया गया था, जो संपूर्ण समय वहां उपस्थित रहा। परंपरागत पोशाक सफेद धोती कुर्ता एवं सिर पर साफा बांधे युवाओं की टोली प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। 900 युवाओं को राजा छत्रसाल, पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप, राजा राम सिंह तोमर, राणा बख्तावर सिंह, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, रानी दुर्गावती, वीर शिवाजी, कुंवर चैन सिंह के नामों से बने 10 प्रमुख दलों में बांटकर शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। शीत ऋतु के बावजूद भी प्रशिक्षण लेने के लिए आए युवा सुबह 5 बजे उठकर प्रशिक्षण का लाभ ले रहे थे। आपको बता दें, वही अनुशासन की अमिट छाप भी जय राजपूताना संघ का पथ संचलन छोड़ गया। संघ के तत्वाधान में हजारों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ताओं ने नागदा नगर में धर्म रक्षा के आह्वान हेतु एक विशाल शोभा यात्रा निकाली। टीम भारत लाइव। महासमर भूमि शिविर, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ष में एक बार ये लगता है, और इसमें पूरे भारत से राजपूत प्रतिभागी होते हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनमें से हम सेलेक्टेड मेंबर, जितनी हमारे पास व्यवस्था होती है उतने ही लोगों को हम यहाँ पर्याप्त जगह दे पाते हैं। शिविर का उद्देश्य वैसे तो बहुत सब जगह अलग अलग प्रकार के शिविर लगते हैं, लेकिन मूलतः जो हमारे जय राजपूताना संघ का शिविर है महासमर भूमि, उस समर भूमि 3 दिवसीय जो शिविर है मूल, उस शिविर का मूल उद्देश्य है कि हम राष्ट्र हित में छात्र धर्म से प्रेरित लोगों को उद्बोधित करें। वर्तमान समय में जो युवा है उनके प्रेरणा स्रोत नहीं है, और है तो वो केवल पुरखों की तस्वीरों में उनके मात्र बन के रह गए हैं, न उनके बारे में उन्हें इतिहास है। वर्तमान जो हमारे युवा है वो शिक्षा लेते हैं टीवी के कल्चर से या फिल्म कलाकारों से, इनसे तो वो इतिहास और राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें ओतप्रोत नहीं कर सकते। वो इतिहास ओतप्रोत और राष्ट्र प्रेम की भावना केवल उनमें ओतप्रोत हो सकती है इन शिविरों के माध्यम से। 3 दिन रहना और उस अनुभव को अपने साथ उतारना कि हमारे पुरखे कैसे थे, उस अनुभव के बारे में ये देखना कि हमारे पूर्वजों ने ये जीवन कैसे जिया था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 8-8 साल के बच्चे हैं जो कल बर्फ जमा देने वाली ठंड के अंदर भी 5:30 बजे 4 बजे उठना, और उठने के बाद में उसी ठंड के अंदर वहाँ खुले आसमान में तलवार, लठ, लाठी और योग प्रशिक्षण, इन सब की प्रैक्टिस करना। वर्तमान समय में जो लोग ये कहते हैं सियाचिन के युद्ध में या सियाचिन के वहाँ पर हमारे जो सैनिक है वो ठंड से जूझ रहे हैं, तो ये उन इन युवाओं के लिए प्रेरणा है कि वो सेना के सेना नायक ही नहीं, हमारे पुरखे और आप भी ये काम राष्ट्र के अंदर रह कर भी उस एहसास को कर सकते हैं। पिछले 15 दिनों में 6-7 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए।